एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जी, हो गई है मेरी सुबह। और आज ना मैं 6 बजे उठ गई थी, काफ़ी जल्दी उठी थी मैं आज। और आज है ग्रहण, तो आज के दिन ना, मतलब मम्मी ने ऐसा बताया कि आज ना सुबह सुबह ही खाना वगैरह बना के रख लेना, क्योंकि उसके बाद ना फिर सूतक लग जाएगा, तो उस टाइम पे खाना नहीं बनाते हैं। और सुबह ही नहा धो के पूजा कर लेनी है, और उसके बाद ना उस सब चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल देने हैं, तो उससे क्या होता है कि ग्रहण का असर कम होता है। तो मैंने सुबह जल्दी उठ गई थी, और बस अब मैं थोड़ा सा अपना योगा एक्सरसाइज करूँगी। और आज वैसे भी ना डेजी मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी, उसको बहुत मस्ती आई हुई थी, बिल्कुल भी ना कुछ भी नहीं करने दे रही थी, मुझे वॉक भी नहीं करने दे रही थी। मैंने एक्सरसाइज करी थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी नहीं करने दे रही थी। तो मैंने बोला कि चलो, वैसे भी मुझे थोड़ा आज जल्दी है तो रहने ही देते हैं। फटाफट से मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं, फिर वो ठंडा हो जाएगा तो आराम से उसको मैं फ्रिज में भी रख सकती हूँ। और चाय मैंने देखिए चढ़ा दिया गैस पे। और रात को ही ना मैंने साग उबाल के रख लिया था, तो आज मैं बनाने वाली हूँ सरसों का साग। उसके अंदर मैंने पालक और थोड़ी सी मेथी के पत्ते ये काट के डाल दिया है, और इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक और थोड़ा सा हींग डाला है। तो इसको उबाल के मैंने रात को ही रख लिया था, क्योंकि सुबह ना फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए रात को उबाल के रख लो ना तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत काम ना कम हो जाता है। और अब मैं फटाफट से चाय पीऊँगी, और उसके बाद फिर लूँगी जल्दी से शावर, और उसके बाद फिर पूरे खाने की तैयारी करके रखूँगी, क्योंकि 8:30 बजे तो मुझे लगता है सूतक लग जाएगा। तो फिर उससे पहले पहले ही नाश्ता कर लेंगे हम लोग, और फिर कोई भी काम नहीं रहेगा, तो बस जल्दी से पीते हैं चाय। और अभी मैं गर्म पानी पी रही हूँ अपना, जो कि बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है कि सबको सुबह उठ के ना गर्म पानी पीना चाहिए, बहुत एनर्जी आती है इससे, और बॉडी फैट भी बहुत कम होता है हमारे शरीर का ना, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब पेट वगैरह भी आपका सुबह सुबह क्लीन हो जाता है, बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है इससे। और काफ़ी सालों से मैं ना गर्म पानी पीती आ रही हूँ। अब देखिए, फटाफट से मैंने शावर भी ले लिया, पूजा भी मेरी हो गई है, और अब मैं काट रही हूँ प्याज साग में तड़का लगाने के लिए। और दोपहर को ना मैंने फिर दही तड़का बनाया था साग के साथ, ना बहुत अच्छा लगता है, सच्ची बताऊँ तो बहुत मज़ा आता है दही तड़का खाने का। साग हो उसके साथ प्याज काट के, मतलब बहुत मज़ा आता है सच्ची बताऊँ तो, हरी मिर्ची। और साथ में मैंने बनाई थी आंवले की चटनी, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, सच्ची क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आ रहा था। और थोड़े दिन पहले मैंने ये कुर्ती ली है, इसको मैंने ऑल्टर नहीं करवाया, मुझे ऑल्टर करवाना है, काफ़ी लूज़ लूज़ लग रही थी, और काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे वैसे तो, लेकिन बस ये फिटिंग नहीं है इसकी, एकदम ऐसे ढीली ढीली सी है। लेकिन हाँ, गर्मियों का मौसम है तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये ब्लू कलर की है, मतलब थोड़ा सा ब्लैकिश सा ब्लू है, लेकिन अच्छी लग रही थी पहनने में। और पूरा दिन भर ऐसे बाल बांध के रहना तो दर्द जैसा होना शुरू हो जाता है, तो मैंने हल्के से बाल खोल दिए हैं अपने। और फटाफट से मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची भी कूट लिया, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल लिया है, और सबसे पहले उसमें डालूंगी सूखी जो साबुत लाल मिर्ची होती है ना, वो डालूंगी। और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया, क्योंकि सरसों का तेल बिल्कुल थोड़ा सा ही था, तो मैंने बोला कि चलिए रिफाइंड तेल डाल देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा साबुत धनिया और जीरा डालूंगी थोड़ा ज़्यादा करके। और इसमें मैं आप डालूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा ना अदरक को काट के ना साग के अंदर जब आप उबालते हो ना उस टाइम पे भी डाल दो, तो भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है बीच बीच में ना हल्का मोटा मोटा खाने में। और देखिए, मैंने अपना ये जो लाल सूखी मिर्चियाँ हैं ये भी मैंने इसका डंठल तोड़ के डाल दिया है, और ये भी खाने में ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है, मतलब इनके अंदर तेल भर जाता है ना, बहुत मज़ा आता है खाने में। और मैंने थोड़ा ज़्यादा करके प्याज डाला है, क्योंकि साग के अंदर ना थोड़ा ज़्यादा करके प्याज डालो तो बहुत अच्छा लगता है। और इसको मैं अभी भून लूँगी अच्छी तरह से, और उसके अंदर फिर मसाले ऐड कर देंगे, और सबसे बाद में लास्ट में डालेंगे इसके अंदर साग, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मक्की की रोटी के साथ तो और भी मज़ा आता है, लेकिन ना मेरे पास मक्की का आटा नहीं था, तो मैंने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, फुलकों के साथ ही खा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम ना जब भी मैं साग बनाऊंगी ना, तो मक्की की रोटी ज़रूर बनाऊंगी, बहुत मज़ा आता है सच में खाने में। और ऊपर से देसी घी डालो या फिर बटर डालो, मुझे तो ना देसी घी ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके साथ ना साग का फ्लेवर ही चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो ना हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो गई, तो साग बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है उसको खाने में ना। और साथ में दही तड़का बना लो, बस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है कि। तो देखिए, साग में भी छौंक लग गया है, अब जल्दी से बनाऊंगी रोटी, और फटाफट से लगाऊंगी दही के अंदर तड़का, और मज़ा लेंगे खाना खाने का।
और दोपहर के टाइम पे मैं फ्री थी तो मेरे पास ये बॉक्स रखा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ इसको या तो टिश्यू बॉक्स बनाती हूँ या फिर मेरे पास ना गार्बेज पैक जो होते हैं ना उनको रखने के में भी बहुत दिक्कत आती है, कभी यहाँ कभी वहाँ ढूंढते हैं तो मिलते नहीं हैं, तो वो डालने के लिए भी काम आ जाएगा मेरा। तो देखते हैं किस चीज़ के काम में यूज़ करती हूँ मैं इसको। तो मेरे पास ये पेपर रखा हुआ था, मैंने ना बॉक्स के चारों तरफ लगा दिया इस तरह से, ये देखिए ऊपर से मैंने इसको हल्का सा कट कर लिया था। तो देखिए मैंने चारों तरफ इसके पेपर लगा दिया और कितना सुंदर लग रहा है ना। अब मैं इसको चाहे तो टिश्यू बॉक्स के हिसाब से यूज़ करूँ, चाहे इसके अंदर गार्बेज बैग डालूँ जो मेरा मन करेगा, या फिर प्लास्टिक बैग जो आते हैं ना सब्जी और सामान के साथ वो भी इसके अंदर डाल के रख सकते हैं, क्योंकि वो इधर उधर पूरे घर में बिखरे रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। हेलो एवरीवन। तो अभी है शाम का टाइम और अभी मैं बनाने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन। तो अभी है शाम का टाइम, टाइम हो गया 5 बज गए हैं, मैं बनाने जा रही हूँ चाय। सबका ऑर्डर आ रहा है चाय के लिए कि चाय पिला दे, बहुत देर हो गई है। और दोपहर को मैंने ना साग बनाया था और बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़ा आया खाने में। और उस टाइम पे ना मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में ना स्पेस नहीं था, बिल्कुल भी जगह बिल्कुल भी नहीं थी। तो पहले चाय बनाते हैं। तो देखिए चाय मैंने यहाँ पे रख दी है बनने के लिए, और 2 टाइम तो चाय चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी हो ना, कोई भी मौसम हो, कोई भी मतलब कुछ भी हो घर में, चाहे त्यौहार हो फंक्शन हो, फिर भी 2 टाइम तो चाय का मन करता ही करता है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दिन में तो काफ़ी गर्मी है लेकिन शाम के टाइम पर ना हल्का हल्का ठंडा होना शुरू हो गया, तो वैसे भी चाय का मन करता है पीने का कि आज ना ग्रहण भी है, मैंने ना हर एक चीज़ में तुलसी के पत्ते डाले हुए हैं और सुबह ही मैंने सारा खाना बना के रख लिया था। बस अभी ना चाय बनाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं करूँगी और खाना मेरा बना हुआ है। ये देखिए मैंने ना ये साग बनाया था तो इसके अंदर भी मैंने तुलसी के पत्ते डाल के रखे हुए हैं। यहाँ मैंने दही रखा हुआ था, इसके अंदर भी बनने के लिए डाला था सुबह में, तो इसके अंदर भी ये देखिए तुलसी के पत्ते, हर एक चीज़ में मैंने तुलसी के पत्ते डाले हुए हैं आज। और फ्रिज में भी जो चीज़ रखी हुई है ना उसमें भी तुलसी के पत्ते डाले हुए हैं। और ये है आंवले की चटनी जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। मैंने इसको ना उबाल के फिर इसमें पुदीना और अदरक फिर हरी मिर्ची हरा धनिया कूट के डाला हुआ, इतनी अच्छी लग रही थी ना। किस दिन आपके साथ ना रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी है। और ऐसा कहते हैं ना कि आज के दिन आंवला ज़रूर खाना चाहिए और आंवले की पूजा करनी चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो आज के दिन ना मतलब खिचड़ी बनती है जो कि आंवले के साथ खाते हैं, आंवले की चटनी के साथ, फिर आंवले की जैसे मैंने पेड़ की बताई पूजा करते हैं। मतलब आज के दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत अच्छा लगता है जब सबके घरों में ना खिचड़ी बनती है, दही के साथ खिचड़ी खाते हैं हम लोग फिर घी के साथ, तो बहुत मज़ा आता है सच्ची उस टाइम पर ना, बहुत मतलब सब लोग मिलके खाते हैं और अपने घर पे लोग बुलाते भी हैं। जैसे त्यौहार वाले दिन एक तरह से त्यौहार ही होता है ये आज के दिन का, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और आज के दिन ना जो साबुत उड़द होता है ना उसकी खिचड़ी बनाते हैं, मतलब हर घर में बनती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। चाय पिएगी? कहाँ जाना है तूने, घूमने जाना है डेजी? क्या हो गया? तो अभी ना शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे और मैंने शावर भी ले लिया था, कपड़े चेंज कर लिए थे, पूरे घर में गंगा जल मैंने छिड़क दिया था। और अभी हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए और थोड़ा सा वॉक करके आएंगे बाहर। और ये हमारे सोसाइटी के बाहर मार्केट है, छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा सामान भी नहीं मिलता है, लेकिन चलिए ज़रूरत की हर एक चीज़ मिल जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आए हैं दूध लेने के लिए और थोड़ा बहुत और भी मुझे सामान लेना था। बस यहाँ पे एक चीज़ का बहुत टेंशन होती है, यहाँ पे गाय बहुत ज़्यादा होती है, बैल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी वजह से गंदा भी बहुत होता है रोड और डर भी बहुत लगता है, इतने बड़े बड़े उनके सींग होते हैं ना, बहुत डर लगता है। देखिए हम लोग आ गए यहाँ पर दूध लेने के लिए और बाकी का जो मुझे सामान लेना था, पीताम्बरी लेनी थी, बिस्किट लेने थे थोड़े से। कौन खाएगा? रुको, ये कौन खाएगा? देजू चलो आ जाओ।
तो इसके साथ ही करूँगी व्लॉग का एंड।